हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें उनको एक भी कोई भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इसको डिफाइन करिए, इसका ब्लॉक डायग्राम, इसके कुछ फीचर्स हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, एडवांटेजेस, स्टेट मोड ऑफ ऑपरेशन। दोस्तों, ये क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट से रेगुलरली पूछे जाते हैं, जो कि इसमें स्टेट मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार भी आपके लिए एग्जामिनेशन में देखने को मिले। अब दोस्तों, फर्स्ट ईयर से कुछ डिफरेंस बिटवीन आते हैं, मतलब कि कंपैरिजन करने के लिए आते हैं फर्स्ट ईयर से कुछ टॉपिक के बारे में। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन में इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड सिस्टम, ये एक्चुअली आंसर है जो टोटल कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, ये आपका रेगुलरली पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद इंडिविजुअल एंड ग्रुप ड्राइव, कॉन्स्टेंट पावर एंड कॉन्स्टेंट टॉर्क, ये दोस्तों कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट टॉर्क वाला कभी कभी आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट नोट में भी देखने को मिल सकता है कोई एक टॉपिक। इसके बाद एक्सप्लेन में जो आपको 3 से 4 टॉपिक दिख रहे हैं, ये आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है या फिर एक्सप्लेन में ऐसा ही दिया रहेगा, जिसमें आपका सेकेंड वाला मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव प्रीवियस ईयर में रेगुलरली पूछा गया है। ये 7 नंबर का भी देखने को मिल सकता है या फिर शॉर्ट नोट में भी देखने को मिल सकता है। बाकी के बचे 3 टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक फर्स्ट यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। दोस्तों, आपको यहाँ पर सेकेंड यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, साथ साथ आपको बता दें कि आज सेकेंड यूनिट में आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में। तो आपको सेकेंड यूनिट तैयार करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। सेकेंड यूनिट से मोस्टली कन्वर्टर पूछता है, जो कि सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर, 3 फेज फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर, साथ साथ कभी कभी हाफ कंट्रोल्ड भी कन्वर्टर पूछ लेता है। इसमें फैट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ड्राइव्स, इसका आपको वेवफॉर्म, ऑपरेशन, वर्किंग और सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। इसके बाद थर्ड में आपको दिख रहा होगा 4 क्वाड्रेंट डीसी चॉपर ड्राइव्स। चॉपर का भी एक दो क्वेश्चंस आता है, लेकिन इसी में 4 क्वाड्रेंट में आपका चारों क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट डीसी चॉपर ड्राइव्स तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली 4 क्वाड्रेंट डीसी चॉपर ड्राइव्स तैयार कर लीजिएगा। साथ साथ इसमें कुछ एक्सप्लेन में नीचे टॉपिक दिख रहे होंगे आपको, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, जनरेटिव ब्रेकिंग। दोस्तों, ये डायनेमिक और जनरेटिव ब्रेकिंग आपका प्रीवियस ईयर में रेगुलरली आता गया है, इनको स्किप मत करिएगा। फोर्थ में आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इसमें कुछ मेथड्स हैं जो कि आपने पहले पढ़ चुकी हैं, तो इन मेथड्स को एक बार रिवाइज कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, आपको थर्ड यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, एक्सप्लेन में आपको 4 टॉपिक दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक नहीं बोल सकते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, साइक्लो कन्वर्टर, फैड इंडक्शन मोटर ड्राइव टाइप और फैड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, ये 2 हैं, कन्फ्यूज मत होना। 7 नंबर के रेगुलरली पूछे जाते हैं, चांसेस है इन 2 साइक्लो कन्वर्टर में से एक आपको इस बार देखने को मिलेगा। फोर्थ में जो वेक्टर कंट्रोल इंडक्टर मोटर ड्राइव दिख रहा है, ये कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद सेकंड में आपको दिख रहा है डिस्क्राइब PWM कंट्रोल, कंपैरिजन ऑफ VSI एंड CSI ऑपरेशन, सेकंड वाला भी सुपर इम्पोर्टेंट है। PWM कंट्रोल आए या फिर ना आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि VSI एंड CSI ऑपरेशन में कंपैरिजन आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ टॉपिक शॉर्ट नोट्स में भी दिख रहे होंगे, स्टैटिक क्रेमर ड्राइव्स। दोस्तों, ये वाला टॉपिक स्टैटिक क्रेमर ड्राइव्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आप देखेंगे तो रेगुलरली पूछा गया है, कभी 7 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, लेकिन आता है। दोस्तों, शॉर्ट नोट में आपको 3 टॉपिक दिख रहे हैं, आपको फर्स्ट वाला करना नेसेसरी है, सेकेंड थर्ड चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको सिलेबस लग रहा हो। इसके बाद दोस्तों, चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों, फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वाई सेल्फ कंट्रोल्ड सिंक्रोनस मोटर इज फ्री फ्रॉम हंटिंग ऑपरेशन, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूड हैं,
एक तो ये हो गया, इसके बाद व्हाट इज़ द टर्म ऑफ हंटिंग ऑपरेशन इन कंट्रोल्ड सिंक्रोनस मोटर, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि हंटिंग ऑपरेशन पूछ सकता है, या फिर व्हाट इज़ द कंट्रोल्ड सिंक्रोनस मोटर, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। इसका चांसेस भी है कि इस बार क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड में आपको दिख रहा होगा, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर डीसी मोटर ड्राइव एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज ओवर यूनिपोलर ड्राइव। एक प्रकार से इसमें कंपैरिजन भी इंक्लूड रहेगा, जो कि आप लोग एडवांटेज को कंपेयर करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों फोर्थ यूनिट में सिंक्रोनस मशीन में आपका दो ऑपरेशन इंक्लूड है, मेनली क्लोज्ड लूप ऑपरेशन एंड ओपन लूप ऑपरेशन, जो कि दोस्तों अभी तक प्रीवियस ईयर में क्लोज्ड लूप रेगुलरली पूछने को मिला है, इसलिए मैंने थर्ड नंबर पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्लोज्ड लूप ऑपरेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर ड्राइव एंड एक्सप्लेन इट, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें आपके लिए इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। अगर वेवफॉर्म आपको अवेलेबल हो तो वेवफॉर्म भी बना दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों शॉर्ट नोट्स में भी कुछ क्वेश्चंस टॉपिक्स फोर्थ यूनिट से लिए जाते हैं, जो कि आपको शॉर्ट नोट में थर्ड वाला जो दिख रहा है, कम्यूटेटर लेस एसी एंड डीसी ड्राइव्स, ये दो टॉपिक हैं, मैंने एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन आपको दोनों तैयार करना है। सेकंड नंबर में परमानेंट मैग्नेट मोटर्स, ये आपने पहले पढ़ी रखी है, इस बार रिवीजन करना पड़ेगा। फर्स्ट में सेपरेट एंड सेल्फ कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये कभी कभी पूछता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फोर्थ यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, चलते हैं लास्ट एंड फिफ्थ यूनिट की ओर। दोस्तों फिफ्थ यूनिट में सबसे पहले आपको करना है स्टेपर मोटर, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल वाला पार्ट दिख रहा है, वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप एंड परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर, इसका आपको कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल साथ साथ वेवफॉर्म और सर्किट डायग्राम, ये दो सबसे पहले आपको फिफ्थ यूनिट से टॉपिक तैयार करना है, क्वेश्चन तैयार करना है। ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार आपके लिए देखने को मिलेंगे। साथ साथ स्टेपर मोटर आपने पहले पढ़ के रखा है, स्टेपर मोटर का आपको एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन, फीचर्स, हाइब्रिड टाइप और मल्टी स्टैक टाइप स्टेपर मोटर तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपको दो पार्ट और दिख रहे होंगे, एक एक्सप्लेन वाला और एक शॉर्ट नोट वाला। इसमें से आपको शॉर्ट नोट में तीन से जो चार टॉपिक दिख रहे हैं ये भी आपको तैयार करने हैं, और एक्सप्लेन वाला भी आपको तैयार करना है, जिसमें आपको सेकंड वाला दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर एंड सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, ये आपका सात नंबर में देखने को मिल सकता है, डिफरेंस बिटवीन वाला है, कंपैरिजन आपके लिए करना है। तो दोस्तों यहाँ तक फिफ्थ यूनिट के ऑल आईएमपी क्वेश्चंस शेयर हो चुके हैं, फर्स्ट से फिफ्थ यूनिट तक के मैंने आपको आईएमपी शेयर कर दिए हैं। एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और अगले किस सब्जेक्ट पर आपको आईएमपी वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you very much for watching. Take care. Love you all.